गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई नितीश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमें अपना न्यू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल, ठीक है, जो लैंग्वेज स्किल का हमारा नया एस्पेक्ट था, मीन्स लास्ट जो जिसको हम राइटिंग स्किल बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल, ठीक है। और कहना है ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्टी होगी। कोई दो या तीन इसकी मेन क्वालिटीज हैं जिनके विषय में जानना जरूरी है और किन एस्पेक्ट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, और ये अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है राइटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे, ठीक है। दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ जिनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, कौन सी क्वालिटीज होती है। तो दो या तीन क्वालिटीज जिनकी मैं बात करूंगा इसमें, राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा इन रिटन फॉर्म, ठीक है, ये रिटन फॉर्म में पाई जाती है, बिकॉज इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, वर्ड ऑफ राइटिंग करेंगे, आप कंटेंट को क्या करेंगे, वर्बली यूज ना करके आप उसको राइट करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होगा, हमारा जो कंटेंट होगा वो हमें किसको मिलेगा, रिटन फॉर्म में मिलेगा। ये चीज हमें इसमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होता है, इट इनेबल्स लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, एक्सप्रेस आइडियाज it
define as a productive skill, ठीक है? और क्या हो सकता है? Active skill. ये writing skill जो है वो एक productive skill कहा गया है, इसको इस category में रखा गया है, because productive skill इसलिए होता है कि आप एक बार यहाँ पर आप कुछ ना कुछ product कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ ready कर रहे हैं. अगर आप कुछ लिखेंगे तो obvious सी बात है, आप कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, इन्वेंट करने से ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप कुछ कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है? आपके माइंड से कोई कंटेंट क्या है, आपके पेज पर या किसी कॉपी पर सामने पर जाए हो रहा है, तो वो क्या है, एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इसलिए इसको क्या किया गया, प्रोडक्टिव स्किल के रूप में काउंट किया गया. यस, एक्टिव स्किल बोला जाता है बिकॉज एक्टिव स्किल इसलिए क्योंकि इसमें आप प्रॉपरली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद एक्टिव नहीं होंगे तब तक आप देखिए माइंड में, ठीक है? तो सीधी सिंपल सी बात है. तो इसलिए राइटिंग स्किल अपने आप में बैठा हूँ, उसके जल्द जल्दी ये क्या है, बहुत इफेक्टिव वे है, इसके थ्रू आप अपनी बात को बहुत प्रॉपर समझा सकते हैं जो आप वर्बली नहीं समझा सकते, ठीक है? अगर यही चीज मैं आपको सिर्फ बोलता रहता, समझाता रहता, ठीक है, और यहाँ कैमरे के सामने आपको इस तरीके से बोलता रहता, तो क्या होता, आप शायद उस चीज को बेहतर समझ पाते जो मैं आपको रिटन फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, ठीक है? तो सेम वही चीज फॉलो करनी होती है राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में. बहुत ज्यादा इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपकी कुछ मेन क्वालिटीज थी इसकी, ठीक है? अब बात कर रहे हैं, मतलब राइटिंग आपको पता है कि सबका बहुत कई लोगों की हॉबी भी होती है राइटिंग, और एक अच्छा स्किल भी माना जाता है अपने आप में, ठीक है? तो हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, ऑल्सो फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके प्रयास किया करिए अपना शब्दकोश अपने वाक्यों को बढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि जितने अच्छे शब्द आपके और नए शब्द आपके माइंड में आएंगे, उतना इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज, जैसे वो आपका प्रॉपरली बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा. साथ साथ उसके साथ बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी साथ साथ आपके प्रॉपर इम्प्रूव होंगे एक इंटीग्रेटेड वे में, सभी आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? उनको सीखा ही कैसे जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आपकी कम्युनिकेशन स्किल और प्लस लैंग्वेज स्किल के थ्रू उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, आज की लैंग्वेज स्किल हमारा परफेक्टली इम्प्रूव कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम कोई नया टॉपिक अपना कवर करेंगे. सो आज के लेक्चर में